गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 62, जो इससे पहले मैं जीके सीरीज में 61 हमने वीडियो बनाई थी, आज ये 62 होगी और जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बेरोजगारी पर आधारित होगी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखना, रेलवे में या अन्य परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम टॉपिक वाइज वीडियो तैयार कर रहे हैं सभी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अनएम्प्लॉयमेंट, भारतीय बेरोजगारी। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे आज बेरोजगारी में, जैसे बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, और एक इसे बेरोजगारी किसे कहते हैं, यानी कि कितने प्रकार की, वो अलग अलग उनकी डेफिनेशंस हो जाएंगे। एक देखेंगे बेरोजगारी के प्रकार, इसमें टाइप्स कितने होंगे इसके, और कहाँ पर कौन सी बेरोजगारी होगी, और बेरोजगारी का मापन हम कैसे करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, कितने परसेंट रहती है और कैसे बेरोजगारी मापी जाती है। ओके, शुरू करते हैं। देखिएगा बेरोजगारी, तो बेरोजगारी हम किसे कहेंगे, एक भगवती समिति का गठन हुआ था 1970 में बेरोजगारी को मापने के लिए। वर्ष 1970 में भगवती समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन आए हुए हैं कि भगवती समिति का संबंध किससे, बेरोजगारी से। तो इन्होंने क्या कहा रिकमेंडेशन, कि इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बेरोजगारी को मापने के लिए तीन तरीके बताए गए थे। कौन कौन से, जैसे कुछ और इसके बारे में टूल्स पर हम श्रम बल, मैन पावर, श्रम बल हम किसे कहेंगे, ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होती है, ये क्या हो जाएगा, मैन पावर यानी कि श्रम बल हो जाएगा। जैसे देश में 15 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक के लोग श्रम बल के अंतर्गत आते हैं, है ना। मान लीजिए वो काम करना चाहते हैं और एज उनकी कितनी है, 15 to 60, 15 वर्ष से 60 वर्ष तक, है ना। अगर इससे ज़्यादा है या इससे कम, वो हम श्रम बल में, मैन पावर में नहीं गिनेंगे उसको। जैसे तो कार्यबल क्या होता है, वर्कफोर्स, कार्यबल, श्रम बल में से वे लोग जिन्होंने कार्य रोजगार मिल जाता है, राष्ट्र का कार्यबल कहलाते हैं, वो देश का क्या होगा, कार्यबल होगा, जिनको रोजगार मिलता है। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे 100 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी एज कितनी है, 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में 100 व्यक्तियों की, और इन 100 में से 70 को रोजगार मिला है, तो क्या हो जाएंगे, 30 इसमें बेरोजगार कहलाएंगे। ये जो 30 क्या है, बेरोजगार, और ये 70 क्या है, कार्यबल, कार्यबल, इनको तो कार्य मिला हुआ है, यानी कि 100 तो व्यक्ति हैं, 100 ये क्या कहलाएंगे, श्रम बल, ये तो श्रम बल है यानी कि मैन पावर। इन 100 व्यक्तियों में ये जो 100 व्यक्ति हैं, इनमें इनकी आयु कितनी है, 15 से 60 वर्ष के बीच में, इसमें जो काम मिला है वो 70 को मिला, तो बेरोजगार कितने हो जाएंगे, 30। आगे देखते हैं, यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति को 273 दिन में, प्रतिदिन 8 घंटे का कार्य जिसमें शामिल होगा, 273 दिन में रोजगार नहीं मिलता, वह व्यक्ति बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। वित्तीय वर्ष का मतलब कितना हुआ, 365 दिन में से 273 दिन का उसे रोजगार मिलना है, वो क्या कहलाएगा, रोजगार में, अन्यथा बेरोजगार हो जाएगा। फिर बेरोजगारी के प्रकार बताए गए हैं, या फिर हम कैसे निकालते हैं बेरोजगारी, एक और तरीका इसका, बेरोजगारी कैसे निकलती है, श्रम बल में से कार्य बल हम माइनस करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताया कि 100 व्यक्तियों की आयु कितनी है, 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में, और इसमें से जो कार्य मिलता है 70 लोगों को मिलता है, तो बेरोजगारी कितनी आएगी, 30% इसमें बेरोजगार लोग हो जाएंगे, 70% रोजगार में रहेंगे, और टोटल मैन पावर कितनी, 100, यानी कि 100 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है और ये कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कार्य मिला है 70 को ही मिला है, 70 को, तो ये माइनस करके 30 जो आएगा, ये बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे व्यक्ति। आगे देखते हैं, जब किसी देश में पूर्ण श्रम बल को रोजगार प्राप्त हो जाए, अर्थात पूर्ण श्रम बल कार्य बल में बदल जाए, तो देश में पूर्ण रोजगार होगा, यानी कि या तो ये कहिए कि श्रम बल और कार्य बल का जो अंतर है, 100 तो इसमें श्रम बल है, 100 को ही कार्य मिला हुआ है, तो कितना, 0%, यहाँ पर जो कहेंगे बेरोजगारी कितनी है, 0 है, है ना। या कहिए कि पूर्ण रूप से यहाँ पर रोजगार है, तो रोजगार की स्थिति कैसे बनती है, पूर्ण रोजगार की, कंप्लीटली जो इसमें इम्प्लॉयमेंट में होंगे, श्रम बल बराबर कार्य बल, अगर श्रम बल 100 व्यक्ति हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है और उन्हीं को कार्य भी मिला हुआ है, 100 के 100 व्यक्तियों को हम कहेंगे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति यहाँ पर। तो ये मापदंड बताए गए थे, एक तो क्वेश्चन आया कि भगवती समिति का संबंध किससे है, भगवती का बेरोजगारी से, और उसके मापन से संबंध, तो बेरोजगारी किसे कहेंगे और पूर्ण बेरोजगार किसे कहेंगे। आगे देखते हैं, बेरोजगारी के प्रकार, कितने प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एक तो दीर्घकालिक बेरोजगारी होती है। देखना दीर्घकालिक में क्या होगा, ये इसके प्रकार होते हैं, खैर प्रकार वैसे 10 प्रकार की होती हैं, ये अलग से डिस्कस किया गया है, और
दीर्घकालिक बेरोजगारी, यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति को 273 दिन या प्रति जिसमें प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के लिए होंगे और न्यूनतम मजदूरी, जैसे मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी पहले 202 रुपये थी लेकिन वर्तमान में 220 रुपये है, 220 रुपये पर डे के हिसाब से किसी व्यक्ति को 220 रुपये दिए जाएंगे और वो 8 घंटे उससे काम लिया जाएगा और एक दिन के 220। तो क्या है, किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति को 273 दिन का रोजगार अगर नहीं मिलता तो वह व्यक्ति दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, वो क्या कहलाएगा, दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड। दूसरा, साप्ताहिक बेरोजगारी क्या होगी, साप्ताहिक, वीकली, यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन यानी कि 8 घंटे का कार्य न मिल पाए तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी कहते हैं। साप्ताहिक रोजगारी का मतलब कितना हुआ, 8 घंटे, अगर वो 8 घंटे का कार्य उसे नहीं मिलता तो साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाएगा वो। ओके, आगे देखते हैं। ये साप्ताहिक, कभी आप ये समझ लेंगे कि इसमें 7 दिन का रोजगार अगर नहीं मिलेगा वो साप्ताहिक बेरोजगारी कहलाएगी, नहीं, एक दिन का कार्य यानी कि 8 घंटे का कार्य है। दैनिक बेरोजगारी क्या हो जाएगी, दैनिक बेरोजगारी में जो पर डे की होगी, यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन आधे दिन, आधे दिन का मतलब 4 घंटे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, वो नहीं कि पूरे दिन 24 घंटे या 12 घंटे लगाएंगे, 8/2, एक दिन 8 घंटे का माना जाएगा, अगर आधे दिन उसे कोई कार्य नहीं मिलेगा तो वो क्या, दैनिक बेरोजगार कहलाएगा, 4 घंटे का कार्य ना मिले तो उसे दैनिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक बेरोजगारी में तो एक दिन का कार्य अगर नहीं मिलता, सप्ताह में जैसे 7 दिन होते हैं, उन 7 में से अगर एक दिन का हमें रोजगार नहीं मिला, एक दिन का मतलब 8 घंटे का रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो साप्ताहिक बेरोजगारी, और अगर उसे आधे दिन का कार्य नहीं मिलेगा, इट मीन्स 4 आवर्स, वर्किंग आवर कितने होंगे, 4 घंटे का अगर कार्य नहीं मिलता तो दैनिक बेरोजगारी आएगी। ओके, देखते हैं आगे, बेरोजगारी के प्रकार, तो कितने प्रकार की बेरोजगारी, वैसे 10 प्रकार की बताई गई, जो हमने दैनिक बेरोजगारी अभी डिस्कस किया है, ये बीच बीच में शब्दावली आएगी ये बीच में, तो इसलिए हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी 10 प्रकार की होती है, बेरोजगारी 10 टाइप्स इसमें होंगे, 10 प्रकार की, कौन कौन सी, जैसे सामान्य बेरोजगारी, सामान्य बेरोजगारी का मतलब लोग कार्य करने के लिए इच्छुक है लेकिन उनके पास काम नहीं है करने के लिए, अभी इनके आपको डेफिनेशंस बताएंगे सभी के। नंबर सेकंड हो जाएगा स्वैच्छिक बेरोजगारी, अपनी इच्छा से करना, अक्षमता बेरोजगारी। नंबर 5 हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 5 आ जाएगा प्रचंड बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी, है ना, कृषि क्षेत्र में लागू है यहाँ पर। नंबर 6 मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और नंबर 7 आ जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। 8 नंबर आ जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। और नंबर 9 अल्प बेरोजगारी। और नंबर 10 में आएगा घर्षणात्मक या फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अभी इनके बारे में वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। देखना, हमारे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक तो प्रचंड बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक घर्षण बेरोजगारी, और एक चक्रीय बेरोजगारी, और एक मौसमी बेरोजगारी, इनके बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो आप इनको साथ साथ इन्हें नोट करते रहिए, इससे आपको काफ़ी उसमें सहायता मिल सकती है एग्जाम में। देखिएगा, सामान्य बेरोजगारी किसे कहते हैं, यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। सामान्य बेरोजगारी क्या होती है, वह स्थिति होती है जिसमें कि व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार हैं परंतु उसे कोई भी रोजगार नहीं मिलता। जैसे वो कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे दैनिक मजदूरी आज की डेट में मनरेगा के तहत 220 रुपये हैं, 220 या 202 रुपये जो भी तय करे सरकार, ये महिला और पुरुषों का भी अलग अलग होता है, हम इस पर करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर कार्य, लेकिन हमारे सरकार की तरफ से कोई कार्य मुहैया नहीं कराया गया या हमारे लिए कोई ऐसा कार्य है ही नहीं, तो हम क्या कहलाएंगे, सामान्य बेरोजगारी। ये सामान्य बेरोजगारी को दर्शाया गया है। दूसरा, स्वैच्छिक बेरोजगारी या ऐच्छिक बेरोजगारी, है ना, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य मिल रहा हो लेकिन वह अपनी इच्छा से कार्य नहीं करना चाहता, उसे स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि इसका उल्टा है, सामान्य बेरोजगारी में क्या है, इसमें तो कार्य ही नहीं रहता हमारे पास, और ऐच्छिक बेरोजगारी में क्या है, इसमें कार्य तो होता है लेकिन हम करने को तैयार नहीं होते। होते हैं ना, जैसे कुछ लोग बहानेबाज होते हैं, है ना, वो हर चीज़ का बहाना बनाते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, स्वैच्छिक, यानी कि वो खुद ही नहीं करना चाहते जबकि उनके लिए कार्य होता है, भले ही न्यूनतम मजदूरी पर वो 220 रुपये पर करता है मनरेगा के तहत, तो ये स्वैच्छिक में आ जाएगा, स्वैच्छिक या इच्छिक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यह अक्षमता बेरोजगारी, डिसेबल, है ना, एक्सम, मान लीजिए कोई एक्सम है कार्य करने के लिए, सक्षम नहीं है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है
तब इस प्रकार की बेरोजगारी को अक्षमता बेरोजगारी कहते हैं, अक्षमता बेरोजगारी। तो क्या आ जाएगी डिसेबल, इसमें अगर कोई कार्य विकलांग है कोई व्यक्ति या मानसिक रूप से वो परिपूर्ण नहीं है, तो उनके लिए जो बेरोजगारी होगी कौन सी, अक्षमता बेरोजगारी कहलाएगी। नेक्स्ट देखिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। देखना जो संरचनात्मक बेरोजगारी होगी, संरचनात्मक क्या होता है, जिसको हम स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, एक आधारभूत संरचना होती है। आधारभूत संरचना में जैसे वहाँ की बिजली होती है, विद्युत है ना, विद्युत, या फिर यातायात, यातायात या बैंकिंग, तकनीकी, तकनीकी, ये सब किस में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में या संरचनात्मक में आता है। तो अगर इनकी कमी से हमें कोई जॉब नहीं मिलेगी, कोई कार्य नहीं मिलेगा, हम संरचनात्मक बेरोजगारी में आ जाएंगे। भारत में पाई जाती स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या क्या देखिएगा, जब किसी देश में भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचना जैसे परिवहन, बिजली, तकनीकी, यातायात, वित्त आदि कमजोर होने के कारण रोजगारों में कमी आती है, तब उस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संरचना हम किसको कहेंगे, एक वर्ड होता है पूरा आधारभूत संरचना। तो आधारभूत संरचना में क्या करते हैं, आधारभूत संरचना में कि उसमें जो बिजली, पानी या फिर तकनीकी या स्वास्थ्य की, इनकी कमी होगी वहाँ पर है ना, खास तौर पर विद्युत की है कि, तो ये इससे जो जनित बेरोजगारी होगी संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी है ना, गिफ्टेड या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में क्या है देखना, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, तो इस स्थिति में जो अतिरिक्त कार्यबल होता है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या हुई, हिडन, जैसे कृषि क्षेत्र में है, अगर हम कृषि क्षेत्र में जो ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, अगर हम उनमें से कुछ लोगों को हटा दें वहाँ से और एक मशीन को इंक्लूड कर दें उसमें, तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अगर 5 लोग मिलकर 100 कुंतल गेहूं का उत्पादन करते हैं, फिर एक व्यक्ति और प्लस मशीन मिलकर, मशीन जैसे ट्रैक्टर या थ्रेसर होता है, ये मिलकर भी 100 कुंतल गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो ये जो 4 लोग इसमें से अतिरिक्त निकले हैं, ये प्रचंड बेरोजगार कहलाएंगे है ना। अगर 5 लोग मिलकर 100 कुंतल गेहूं का उत्पादन करते हैं और फिर उसमें से 4 लोगों को हमने निकाल दिया, एक व्यक्ति और मशीन मिलकर भी 100 कुंतल गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो जो 4 व्यक्ति उसमें से निकले हैं, ये प्रचंड बेरोजगार कहलाएंगे है ना। यानी कि किसी कार्य में जब आवश्यकता से अधिक श्रम बल या व्यक्ति लगे रहते हैं, तो क्या हो जाता है, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ये कृषि क्षेत्र में है। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में पाई जाती है। ये क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में होता है, तो कृषि क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी भारत में काफ़ी देखी जाती है बेरोजगारी। यदि कुछ लोगों को काम ये कम कुछ लोगों को कम भी कर दिया जाए, तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। जब उत्पादन में कमी नहीं आती है, तो जिन लोगों को हमने निकाला है वो प्रचंड बेरोजगार कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होगा कि जो मौसम के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि कभी तो उनको काम पर रखा जाएगा और कभी काम पर नहीं रखा जाएगा। पे ऑफ और पे ऑन वाले होते हैं, जैसे कुछ कंपनी फैक्ट्री होती हैं उसमें जब तक फैक्ट्री वो चलती हैं, जैसे गन्ना मिल होते हैं, इसमें जब तक फैक्ट्री चलेगी कुछ लोगों को रखा जाता है, और जब फैक्ट्री सीजन ऑफ होता है तब उनको कुछ को हटा दिया जाता है। तो ऐसे में क्या कहलाएंगे, मौसमी बेरोजगारी, ये भी भारत में पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत कार्य समूह को साल के कुछ महीने के लिए ही कार्य मिल पाता है, तथा शेष महीने के लिए उसे कोई कार्य नहीं मिल पाता, ये क्या हो जाएगी, मौसमी बेरोजगारी। आगे देखते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी में, शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में पाई जाती है, तथा इस प्रकार की बेरोजगारी में शिक्षित कार्य समूह के लोग रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि शिक्षा के बलबूते पर ही वो नौकरी ले सकते हैं, उन्हें चूंकि फिजिकल वर्क उनसे ज्यादा नहीं होता है ना। तो जैसे ये साहब बैठे हुए हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, ये इस टाइप से हैं, और ये न्यूनतम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते, तो इन्हें केवल ऑफिस की जॉब चाहिए, ऐसे ये शिक्षित बेरोजगारी होती है। आगे देखिए चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होते हैं, साइक्लिकल, साइक्लिक होगी, जैसे जब अर्थव्यवस्था में चक्र में मंदी का दौर आता है, अर्थव्यवस्था के जो चक्र में मंदी का है ना, मंदी क्या होती है, डिसीजन आप ये देखिए, मंदी ये होगी जब उसमें जो वस्तुएं हैं, जैसे बाजार है, बाजार में वस्तुएं भी लेकिन खरीदार नहीं होते, यानी कि काम तो वहाँ पर हैं, काम लेकिन वहाँ पर करने वाले नहीं होते है ना,
काम को करने वाले इनकी कमी रहती है, या कहिए कि बाजार की अगर मंदी हम देखें, रिसीजन क्या होती है कि बाजार में वस्तुएं तो उपलब्ध होती हैं लेकिन उनका कोई खरीदार नहीं होता, कि खरीदेगा इनको कौन। खरीदार की ये प्रॉब्लम हुई कि उनके पास या तो पैसा नहीं होगा या फिर वो खरीदना नहीं चाहते उसको, तो मंदी का दौर होगा। जब अर्थव्यवस्था के चक्र में मंदी का दौर आता है तब मंदी से उत्पादन प्रभावित होता है, और इस प्रकार की जो बेरोजगारी होगी ये क्या कहलाएगी? चक्रीय बेरोजगारी। उत्पादन प्रभावित होने से रोजगार प्रभावित होता है, और ज़्यादातर यह विकसित देशों में होता है। जैसे विकसित देशों में जिनकी SDI का मान, जो विकसित और विकासशील देश होते हैं, एक SDI होती है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे आगे, जिनकी SDI का मान 1.799 से और ये लगभग 1.000 तक रहता है। जिनकी SDI का मान, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मान जितना 0.799 से 1 तक रहता है, वो विकसित देश होते हैं। तो विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। हमारे यहाँ भी है लेकिन हमारे यहाँ पर कम बेरोजगारी है। आगे देखते हैं, अल्प बेरोजगारी है ना, माइनर अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होगा? जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर काम ना मिले। मान लीजिए योग्यता है उसकी, उसने BSc की हुई है, वो तो BSc के आधार पर लेना चाहता है जॉब, लेकिन उसे 10th पास की मिल रही, 10वीं पास की अगर जॉब उसको मिलती है तो ये अल्प बेरोजगार कहलाएंगे। है तो वो ग्रेजुएट, या उसने MSc की हुई है ना, MSc या BSc उसने किया हुआ है, तो इसमें से लेकिन उसे जो जॉब मिलती है वो 10वीं बेस पर मिलती है, 10th पास पर, तो जो ये कहलाएंगे बेरोजगारी होंगे, अल्प बेरोजगार होंगे। तो क्या है देखना, या फिर योग्यता से कम काम करना पड़े, या तो योग्यता के आधार पर नहीं है या फिर योग्यता से भी कम कार्य उसको करना पड़ता है, तो अल्प बेरोजगार। उदाहरण के लिए स्नातक व्यक्ति को जब समूह के पद पर कार्य करना पड़े तो उसकी अर्हता मात्र 10वीं होती है, तो समूह यानी कि ग्रुप डी में, अगर वो ग्रुप डी का एम्प्लॉय बनता है तो क्या आ जाएगा? अल्प बेरोजगार में। आगे देखिएगा आप, घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षण फ्रिक्शनल बेरोजगारी, ये क्या होती है? ये भी अधिकांश शिक्षित क्षेत्र में होती है, घर्षणल। जैसे कोई व्यक्ति जब एक कार्य छोड़ता है, जब वो दूसरे कार्य को तलाशने के लिए जाता है, एक कार्य को छोड़कर जब वो दूसरे काम की तलाश में जाता है, तो जितने दिनों तक वो बेरोजगार होगा, ये कौन सी? घर्षण बेरोजगारी। मान लीजिए कोई एक कंपनी में काम करता है, उसके बाद में वो दूसरी कंपनी में गया, लेकिन तब तक उसे 3 महीने लग गए, है ना, 3 महीने का जो समय होगा, इसमें जो घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाएगा। देखिएगा आप, जब व्यक्ति अपने रोजगार में परिवर्तन की इच्छा हेतु अपने वर्तमान रोजगार को छोड़ता है, या तो खुद ही अपनी इच्छा से रोजगार को छोड़कर गया, या फिर जब कोई पुरानी कंपनी बंद कर दी गई और नई कंपनी खोली गई है, तब भी वो क्या कहलाएगा? इसमें घर्षण बेरोजगार, क्योंकि उन दिनों में नई जॉब तलाशेगा। ऐसी स्थिति में थोड़े समय के लिए बेरोजगारी उत्पन्न होती है, यानी कि एक जॉब को छोड़कर जब वो दूसरे की तलाश में जाता है, और जितने दिनों तक वो दूसरे को तलाशता है उतने दिनों तक घर्षण बेरोजगारी कहलाएगी। इसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी अधिकतर विकसित देशों में होती है। तो विकसित देश में यानी कि जो पूंजीपति देश होंगे जिनकी HDI का मान 1 तक लगभग होता है, ये उसमें पाई जाती है। तो ये इस प्रकार वो देखते हैं कि ये 10 प्रकार की बेरोजगारी होती है, और ये क्वेश्चन आता है जैसे भारत में सबसे अधिक कौन सी है, तो चक्रीय बेरोजगारी भी है लेकिन यहाँ पर छिपी बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी है। तो आप इस तरीके से इन्हें नोट कर लीजिए, इसके नोट्स आप बना लीजिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। देखना, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स की और GK की दोनों के साथ साथ वीडियो डाल दें, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण हम दो वीडियो एक दिन में नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, अभी हमारा पूरा सेटअप नहीं लग पाया इसके लिए। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।